बैरियर होता है, कोई चीज को मतलब कोई बीच में हम बैरियर लगाते हैं उसकी वजह से दूसरी चीज ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट करता है और वहां पर हमें विजिबल नहीं होता। तो हमारे अर्थ पे दो एक्लिप्स आते हैं, एक होता है हमारा लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, हमारा सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, इसे बोलते हैं हम लूनर एक्लिप्स। दूसरा एक्लिप्स क्या होता है हमारा सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, ठीक है। अब इसमें मेन चीज ये होती है सोलर एक्लिप्स में, मून का साइज तो बहुत स्मॉलर है, 400 टाइम्स स्मॉलर है, तो वो इतने बड़े मून को सन को कैसे कवर करता है। तो ये क्या होता है कि हमारा जो मून का जो डिस्टेंस है ना वो 400 टाइम्स नियर है देन सन। अब जब डिस्टेंस नियर होता है, करीब होता है, तो उससे देखो क्या होता है, जैसे मान लो गैप है, ठीक है, इस पोजिशन पे अगर मैं पास लेके आऊंगा तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसी की वजह से जो मून का है, मून का स्मॉल साइज होता है मगर ये अपीयर होता है ऑफ द साइज ऑफ सन, जिसकी वजह से हमें एक्लिप्स लगता है, ठीक है। अब इस एक्लिप्स में दो रीजन होते हैं, यहाँ पे शेडो कास्ट करता है, उस शेडो में दो रीजन होते हैं, इन साइड वाला होता है उसे अम्ब्रा बोलते हैं, एक उसके बाहर वाला होता है उसे बोलते हैं पनम्ब्रा, ठीक है। तो उस अम्ब्रा में क्या होता है, अम्ब्रा के अंदर हमें टोटल एक्लिप्स दिखता है, ठीक है, मगर जो अम्ब्रा के बाहर होता है ना पनम्ब्रा, उसमें थोड़ा सा ना